ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड समर्पित है सब 4 मीटर SUVs के लिए। सोनेट लॉन्च हो चुकी है, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा। पहले पार्ट के अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू और सुजुकी की ब्रेजा, मारुति सुजुकी की ब्रेजा, इन गाड़ियों को साथ में लेके चलूँगा। पहले इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से आपसे देखेंगे कौन सी बेटर है, इंजन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पार्ट टू के अंदर कोई भी टेक्निकल बात नहीं करेंगे, एक समीक्षा की जाएगी कि इसमें प्लस क्या है, किसमें माइनस क्या है, वो बात करके उसको ख़त्म करेंगे। तो जिसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जाननी है उनके लिए ये वाला वीडियो हो जाएगा, और जिन्होंने मेनली फीचर्स के ऊपर ध्यान देना है वो दूसरा वीडियो बनाएंगे। पहले शुरू करते हैं दोस्तों इनके साइजेस के साथ। जैसे सबको पता है 3995 के तकरीबन सारी गाड़ियाँ, तो वैसे ही इनका भी है। तो साइज़ के हिसाब से नेक्सॉन सबसे छोटी है लेंथ में, 2 mm, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो कागज़ों में कार्रवाई है 3993, जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो 3995 mm की है तीनों, चाहे सोनेट हो, वेन्यू हो या फिर ब्रेजा हो। विड्थ की अगर बात करूँ तो सबसे चौड़ी गाड़ी इनमें नेक्सॉन है 1891 mm की, बाकी 1790-1770 की हैं। सबसे छोटी इनमें वेन्यू है 1770 mm की। व्हील बेस की अगर बात करूँ तकरीबन एक जैसा है, 2498 है नेक्सॉन का, बाकी का 2500 है, तो 2 mm को इतना खास डील ब्रेकर नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी तकरीबन एक जैसी है, 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस सबकी पड़ती है, किसी की 198 है, किसी 95 है, किसी की 200 है, तो तकरीबन सेम है। और वैसे अगर टेक्निकली कागज़ों में देखा जाए तो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा नेक्सॉन के अंदर पाई जाती है। बूट स्पेस का बादशाह सिस्टम सोनेट को बोला जाएगा, क्योंकि 350 नेक्सॉन की है और 392 सबसे ज़्यादा सोनेट की है, और सबसे कम है 328 लीटर का बूट स्पेस हमारे पास ब्रेजा के पास। तो अगर बात करूँ दोस्तों टायर साइज़ की, तो 195/65R16 ये टायर पाए जाते हैं नेक्सॉन के अंदर बेस वेरिएंट से ही, और 195/65R15 बेस वेरिएंट के अंदर पाए जाते हैं बाकी गाड़ियों के अंदर। सिर्फ जो ब्रेजा है उसके अंदर थोड़ा प्रोफाइल बड़ा है टायर का, 205/65R16 टायर पाया जाता है उसके अंदर। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों बेस वेरिएंट जो आता है वो XE वेरिएंट आता है 7 लाख रुपये का नेक्सॉन का, HTE वेरिएंट 6,71,000 रुपये, जिसने अच्छा खासा थहरका मचा रखा है। वेन्यू के आज ई वेरिएंट आता है 6,75,000 रुपये का, और LXI वेरिएंट 7,34,000 रुपये का आता है ब्रेजा का। अगर बात करूँ इनके इंजन्स की, तो इंजन्स के अंदर हमारे पास 118 bhp का 1.2 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर वाला आता है नेक्सॉन के अंदर, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन नेक्सॉन और वेन्यू और सोनेट दोनों के अंदर पाया जाता है, जो कि 82 bhp की पावर जनरेट करता है। उसके बाद तीसरा इंजन है 1.5 लीटर का ब्रेजा के पास, जो 105 bhp की पावर जनरेट करता है। 170 Nm की टॉक नेक्सॉन में, 115 Nm की टॉक दोनों में वेन्यू और सोनेट के अंदर, और 138 Nm की टॉक हमें ब्रेजा में मिलती है, जो कि इंजन की स्पेसिफिकेशन साथ अगर पावर की बात की जो सबसे ज़्यादा पावर छोटे इंजनों के अंदर हमारे पास नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलती है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो माइलेज 17.4 नेक्सॉन की, ARI सर्टिफाइड 18.4 सोनेट की, 17.52 वेन्यू की, और 17.03 माइलेज हमें ब्रेजा के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर बात करूँ सेफ्टी पैक की, तो सेफ्टी पैक तकरीबन एक जैसा है सबके अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर ही 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें सब में कॉमनली मिल जाती हैं। लेकिन एक स्टेप और ऊपर उठ के नेक्सॉन के बेस वेरिएंट के अंदर हमें हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। इंटीरियर की अगर बात करूँ तो डुअल टोन का इंटीरियर सिर्फ और सिर्फ नेक्सॉन में मिलवाएगा बेस वेरिएंट, बाकी सब के अंदर सिंगल टोन का इंटीरियर हमें मिलता है। और अगर बात करूँ दोस्तों एक्सटीरियर की, तो रूफ माउंटेड एंटीना सिर्फ और सिर्फ हमें सोनेट में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, एक ब्रेजा में और मिल जाएगा। LED DRLs भी हमें नेक्सॉन के अंदर ही मिलती हैं, बाकी किसी में नहीं मिलती। लाइटिंग की अगर बात करूँ तो प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हमें नेक्सॉन और ब्रेजा में मिल पाते हैं, बाकियों में हेलोजन कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं। वारंटी की अगर बात करूँ 2 साल 75,000 किलोमीटर तक की मिलती है हमें नेक्सॉन की, 3 साल और अनलिमिटेड की वारंटी हमें वेन्यू और सोनेट के अंदर मिलती है, और 2 साल या 40,000 सबसे कम हमें मिलती है ब्रेजा के अंदर। XMA अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूँ, शुरुआत हो जाती है 8,43,000 से, सबसे सस्ती ऑटोमेटिक हमें इसी में मिलती है। STK प्लस वेरिएंट IMT अगर बात करूँ सोनेट की, तो सोनेट के अंदर हमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता, जो 1.0 लीटर वाला इंजन है उसके अंदर
HTK वेरिएंट आता है का IMT यानी कि इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें क्लच की सुविधा नहीं है। 1.0 लीटर का इंजन है, 999,000 रुपये का, और इसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक सिर्फ एक ही आता है, 1,49,000 यानी कि 1,50,000 के करीब पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें वेन्यू की, जो सेम इंजन के साथ DCT में आती है, तो 965,000 से इसके DCT वेरिएंट शुरू हो जाते हैं। तो अगर छोटे वेरिएंट चाहिए तब भी हमारे पास ये बैठी है, डोनेट के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑटोमेटिक की। और VXI ऑटोमेटिक 975,000 से शुरू होते हैं ब्रेजा के अंदर भी। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वही इंजन इसके पास नेक्सन में है, और इसका मुकाबला अगर 1.0 लीटर के 3 सिलेंडर वाले इंजन से, टर्बो इंजन से करें, तो 118 BHP की पावर जनरेट तीनों में बराबर होती है। 108 BHP की पावर 1.5 लीटर वाले ब्रेजा के अंदर आती है। 170 NM की टॉक, 172 NM की टॉक को खास फर्क नहीं है, सबसे कम 138 NM की ब्रेजा के अंदर होती है। माइलेज की अगर बात करें तो 16 नेक्सन, 18 की वेन्यू और सोनेट में, और 18.76 की हमें ब्रेजा के अंदर मिल पाती है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड का DCT और 7 स्पीड के DCT के साथ पैडल शिफ्टर, ये हमें वेन्यू में मिल जाता है। 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ओवरराइड लगाया हुआ एक ऑटोमेटिक का सिस्टम हमें मिलता है नेक्सन के अंदर, और 4 स्पीड का टॉप कन्वर्टर, सबसे बेसिक हमें ऑटोमेटिक ब्रेजा के अंदर मिलता है, जो कि अगर कहें तो टेक्निकली भी कहें तो सबसे पीछे रह जाता है। अगर बात करूं दोस्तों टॉप वेरिएंट की, तो XZA+ वेरिएंट आता है, जो 215/60R16 नंबर टायर लेके सारे के अंदर तकरीबन सेम टायर आ जाते हैं। कीलेस एंट्री, रिमोट वगैरह सब कुछ हमें सेम मिल जाता है। तो अगर दोस्तों इन चीज़ों को सारे को देख के चले, तो टेक्निकली भी सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी है जो सब पीछे रह जाती है। सबसे 1.5 लीटर का बड़ा इंजन होने के बावजूद भी ब्रेजा का इंजन सबसे पीछे रह जाता है। हालांकि कागजों में सबसे बड़ा इंजन है, लेकिन टेक्निकली सबसे पीछे रह जाता है इंजन। तो इस तरीके से अगर सिर्फ पेट्रोल इंजन की अगर बात की जाए, तो पेट्रोल इंजन की अगर बात की जाए तो सबसे पीछे दोस्तों हम रखेंगे ब्रेजा को, उसके बाद नेक्सन आ जाती है, फिर वेन्यू और सोनेट। अगली स्पेसिफिकेशन फीचर्स के हिसाब से स्पेसिफिकेशन दोस्तों अगले वीडियो में बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।